राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना गोठान योजना की जमीनी सच्चाई जानने और भ्रष्टाचार को उजागर करने भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को जांजगीर जिले में नैला के एकमात्र वार्ड एक में स्थित गोठानों में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर जानकारी एकत्रित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मार्गदर्शन के लिए उपस्थित थे। उन्होंने निरीक्षण पश्चात कहा कि 1300 करोड़ों की यह योजना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का बहुत बड़ा उदाहरण है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी के नाम पर भूपेश सरकार ने केवल कांग्रेसियों को उपकृत कर उनकी जेब भरने का काम किया है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम नैला में जो खैरा रोड में गौठान है उसका निरीक्षण करने के लिए आए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है कि जाबो गौठान खोलबो खोल। गौठानों में जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस भूपेश सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार का, अभी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ में नैला के गौठान का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हम लोग गौठान के परिसर पर ही खड़े हैं। यहाँ पर कोई गौ माता नहीं है, एक भी नहीं है। इस गौठान में गौ माताओं के लिए ना छाई की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। और सिर्फ इसी गौठान में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गौठानों में यही आलम है। इलाज की व्यवस्था नहीं है और गौठानों में भी गौ माताएं काल कलवित हो रही हैं, असमय काल के गाल में समा रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। अभी हम लोगों ने जहां पर खाद बनाया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया, वहां पर काम करने वाले लेबरों से भी बात किया, वो हमारे क्षेत्र। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं जो हम लोगों को इस गौठान के बारे में पूरी बात को बता सके। इस गौठान में कितना लागत आया है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ कब कब आते हैं गौ माताओं के इलाज के लिए, और इस पूरे गौठान में भारी अव्यवस्था का आलम है। ये गौठान जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का एक नया फार्मूला है। एक नई चीज को उन्होंने निजात किया है खाने का। कितनी गोबर खरीदी हुई है यहाँ पर, कितने गौमूत्र की खरीदी हुई है, इसको बताने वाला कोई नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ के गौठान में इसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं जिसमें हम पूरी जानकारी को देख सके, बता सके। तो ये गौठान जो है अव्यवस्थाओं से भरा हुआ गौठान है। और जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव के समय चारा घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी के जमाने में यहाँ पर गौठानों में घोटाला हो रहा है, गोबर घोटाला हो रहा है, गौमूत्र की खरीदी में घोटाला हो रहा है। चलबो गौठान खोलबो पोल ये नाम से जो अभियान के अंतर्गत आज हमने गौठान में आए हैं नैला के, ये गौठान में जनता के हम पंचनामा तैयार करे बा, ये 11-12 बिंदु के कुछ प्रश्न है भाई, मैं प्रश्न मतलब पूछे सबके सार्वजनिक रूप से। गौठान के नाम में भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार है 1300 करोड़ के दुरुपयोग करे, टोटल 1300 करोड़ पूरा प्रदेश भर में करे है, ये में भारी भ्रष्टाचार किए गए। का है जनता के साथ धोखा आए कि नो है, जोर से बोला जनता के साथ धोखा आए कि नो है, आए। चला भूपेश बघेल कथे कि प्रत्येक गौठान में 19 लाख रुपया खर्चा, देख लो भाई ये गौठान में 19 लाख रुपया खर्चा क्या, गौठान के नाम में सरपंच और ग्राम पंचायत में परेशान किए गए हैं, ग्राम पंचायत के पैसा ला जबरन गौठान में लगाए गए है, सरपंच पर उधारी में फंसे है कि नहीं फंसे, फंसे नियमानुसार गोठान समिति के चुनाव हो है का नैलम बतावा, नहीं हो है। कांग्रेस के नेता मन बिना चुनाव के गोठान में कब्जा करे है कि नहीं करे, करे। अगला सवाल है भारत सरकार मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वां 15वां वित्त, LWE, रूर्बन, DMF जैसे योजना क्षेत्र के विकास बदे है राशियों में ओला गोठान में समेट के भ्रष्टाचार किया गया है कि नहीं किया गया है, प्रत्येक गोठान में 300 गाय रखे के नियम है, बड़ा कठिन सवाल है, 300 गाय रखे के नियम है, एक गोठान में काय तो गैया है जी, तीन गैया नहीं है, ठीक बोला थे, 300 गाय रखे के नियम है, तीन गैया है मैम नहीं है, यहाँ शेड निर्माण है, महत्वपूर्ण विषय भैया, बहुत अच्छा बात रखी से, अगर ये गोठान है तो शेड कहाँ है, शेड नहीं है, पैरा लगते है आदमी मतलब मूर्ख बनाए, गोबर खरीदी के नाम में हर महीना करोड़ों रुपया कांग्रेस सरकार बोहा थे, मतलब कांग्रेसी मन के जेब में जा थे है ना, और मन के घर ले वही सोना के बिस्कुट मिला थे, ये आम आदमी के राशि है कि नो है बतावा, है ना, तो अगर बंदर बांटो थे ठीक है, 2 रुपया किलो के दर से गोबर खरीदते हैं मन, मन के कहे अनुसार
और वर्मी कंपोस्ट के नाम में जो भैया बता रही से ढेला पथरा मिला के 10 रुपए में बेचते किसान मतलब जबरन के अभी जब खातू ले जाते तो खातू नहीं देते सोसाइटी में सोसाइटी में उसी सर में मिलेगा आपको इसको लेना पड़ेगा हाँ, और वजन 10 किलो है इसमें हाँ, पैकिंग में 30 लिखा है वजन तो लाओगे 10 किलो आप कहीं भी सोसाइटी में सलेम भैया संग सब के सब बतावा ये जो गोबर खरीदी किया जाते हैं ठगी है कि नो है वो से बोला भाई।